यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और उनकी माताएं जो उन्हें जन्म दे और उनके पिता जो इन्हें इस देश में जन्माए हो, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये बुरी बुरी रीतियों से मरेंगे और न कोई उनके लिए छाती पीटेगा न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के जंतुओं का आहार होंगी। यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना और न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी और न इनके लिए कोई लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर मुंडाएंगे, न लोग इनके लिए शोक करने वालों को रोटी बांटेंगे ताकि शोक में इनको शांति दे, और न लोग पिता व माता के मरने पर भी किसी को शांति के कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। फिर तू जेवनार के घर में भी इनके संग खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इसराइल का परमेश्वर यो कहता है कि देख, मैं इन लोगों के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दुल्हे व दुल्हन का शब्द। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा क्या अधर्म है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा तो मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते थे, और इस प्रकार उन्होंने मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे अधिक तुम करते हो। तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, और वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो पहले मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तु की लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी घृणित वस्तुओं से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गढ़ और संकट के समय मेरे शरण स्थान, अन्य जातियों के लोग पृथ्वी की चहुओं ओर से तेरे पास आकर कहेंगे,
निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपने भाग में करते आए हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को बनाए? नहीं, वे तो परमेश्वर नहीं हो सकते। इस कारण मैं अब की बार इन लोगों को अपना भुजबल और प्रताप दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है।